आज की वीडियो में आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। पहला होगा कि हम लोग हरिद्वार और उसके आसपास वाले एरिया में कहाँ कहाँ घूमें, क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और सारे अधिकांश सिद्ध पीठ हैं। सिद्ध पीठ मतलब होता है कि जहाँ पर भगवान खुद कभी या तो आए हैं या खुद कभी प्रकट हुए थे। और मेन है सबसे ज़्यादा कि गंगा जी यहाँ पर हैं, तो हर की पौड़ी है क्योंकि श्री राम यहाँ आए थे, तो यहाँ इस कारण इसमें भीड़ भी बहुत रहती है हमेशा। और वैसे भी आजकल तो कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में सब लोग बहुत आ रहे हैं, हर की पौड़ी स्नान कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हरिद्वार इस समय इतना सुंदर और साफ सुथरा हो रखा है कि देखने का मन करता है। तो आप भी हरिद्वार आइए, लेकिन हाँ, साफ सफाई और स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर देखने में भी और घूमने में भी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में आपको यही मिलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। मंदिरों के अंदर ये है कि आप अंदर वीडियो और फोटोज नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि वीडियो लेना मना है, तो हमने अंदर की कहीं वीडियो नहीं ली है। लेकिन हाँ, बाहर की हमने आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे मंदिर दिखते हैं बाहर से और रास्ते की, तो आप वो देखिए। और सेकेंड है मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग, तो आप बने रहिए मेरे साथ और फिर देखिए कि वीडियो में आजकल क्या क्या है। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये है हर की पौड़ी की क्लॉक, जो सब फेमस है। और यहाँ पर से आपको दिख रहे होंगे आगे जाके बड़े शिव जी खड़े हुए हैं गंगा जी के किनारे। और फिर हमने किया स्नान। हर की पौड़ी को कहते हैं इसलिए क्योंकि श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो यहाँ पर खुद आए थे, खुद रुके थे, तो इसलिए इसकी बहुत मान्यता है, सब लोग यहीं स्नान करते हैं। और सबसे भव्य जो इसका यहाँ का आयोजन होता है वो शाम की आप आरती देखिए यहाँ पे। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो गंगा जी की आरती ज़रूर देखिए, शाम को बहुत सुंदर होती है, बहुत पावन लगती है, बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है मन में। गोविंद घाट और ये भी गंगा जी के किनारे ही बना हुआ है और ये भी बहुत सुंदर बना है। पहले छोटा था, अब इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है, बहुत साफ रहता है। और यहाँ पे माँ गंगा की मूर्ति लगी हुई है और ये एक दूसरा एक मंदिर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हमने खूब स्नान किया गंगा जी में, और कहते हैं कि जब तक आपके गंगा जी के पास हैं तो खूब स्नान कीजिए। और इस वाले घाट पर क्या होता है, उतनी भीड़ नहीं रहती है हर की पौड़ी के जितनी, थोड़ी कम रहती है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए कनखल और वहाँ पर है दक्ष मंदिर। ये भी शिव जी की ससुराल है और माता सती का मैक है, तो ये भी एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर राजा दक्ष उनके पिता थे सती के, तो उन्होंने हवन किया था। तो जब सती उसमें आई थी तो वो हवन में कूद कर ही उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी, क्योंकि उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था, तो उनसे अपने पति का जो अपमान था वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो वो कूद गई थी और अपनी आहुति उन्होंने दे दी थी। तो शिव जी उनको फिर यहाँ से लेकर के पहाड़ों की तरफ भागे थे। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद हम गए उड़न खटोले में बैठने, और फिर वहाँ से हम लोग जा रहे थे मनसा देवी। तो बीच में आप देखिए कितनी सुंदर गार्डनिंग हो रखी है पहाड़ों पे, स्टेप गार्डनिंग और फ्लावर ही फ्लावर हैं। और ट्रॉली से ही आप ये देखिए, इसको ट्रॉली नहीं अभी भी सब उड़न खटोला ही बोलते हैं। तो वहाँ से आप नज़ारा देखिए कितना सुंदर है पहाड़ों का, और फिर पहाड़ भी इतने प्यारे लग रहे थे कि उनकी अलग अलग तरह के पेड़ थे उसमें। और फिर ऊपर से हमने देखा कि नीचे जो हर की पौड़ी वाला एरिया है, गंगा जी है, कितनी सुंदर लग रही थी। तो फिर ये सब देखने ऊपर से गंगा जी ऐसे लग रही थी कि कोई पट्टी सी जा रही है बीच में। तो यहाँ पे ये है मनसा देवी का मंदिर, और वहाँ पे हम अंदर से दर्शन नहीं करवा सकते थे आपको, तो इसलिए मैंने बाहर से ही फ़ोटो ली थी कि रेड कलर का ये माता जी का मंदिर है, माँ मनसा का। ये भी सिद्ध पीठ है, ये भी बाहर अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सुंदर है। फिर यहाँ पर हम उतर के आ रहे थे ट्रॉली से, तो फिर ये सनसेट होने लगा था, तो बहुत सुंदर इसका भी नज़ारा था, तो हमने इसको भी अपने कैमरे में कैप्चर किया। और ये देखिए पूरी गंगा जी शाम के समय कितनी सुंदर दिख रही है।
और अगले दिन हम निकले नीलकंठ भगवान के दर्शन करने। तो ये रास्ते का व्यू है, ये बीच में दोनों पहाड़ों के बीच में गंगा जी बह रही हैं। और सुबह सुबह हम गए थे तो कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, तो ये भी देखने में दो पहाड़ों के बीच में गंगा बहुत सुंदर लग रही थी। ये भी सिद्ध पीठ है और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि शिव जी का जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुआ, तो ये भी देखने में बहुत सुंदर है मंदिर। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरी बेटी का बर्थडे और काव्या कम कम और ये है मेरी बेटी छोटी वाली और आज इसका बर्थडे है और आज पूरे दिन फुल ऑन इसने मस्ती कर रखी है घर में। और सुबह से ही क्या मैं बोलूँ, दो दिन से इसने पार्टी का प्लानिंग कर रखी है अपनी फ्रेंड्स के साथ और इसकी फ्रेंड्स भी बुला रखी है, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे भी। तो ये सब है इसके फ्रेंड्स और ये भी आज पूरे दिन इसके साथ रहने वाले हैं, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हे फ्रेंड्स, हम काव्या के हैं फ्रेंड्स और हम आज काव्या के बर्थडे पार्टी के सरप्राइज प्लान करने वाले हैं। सब कुछ ये हमने दिखाया नहीं है, सरप्राइज है और वो बड़ी उदास है बेचारी कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मेरी फ्रेंड भी नहीं आई, उनकी उसकी फ्रेंडों ने भी फ़ोन करके बोल दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतनी सारी तैयारी कर ली है, देख रहे हो आप, इतनी सारी उन्होंने उसके लिए सरप्राइजिंग तैयार किया है। तो वो अभी तैयार हो रही है और वो बड़ी उदास है, आके रोने लगी। पहले हमने उसको मॉल भेज दिया था अपने पापा के साथ कि वहाँ घूमेगी तो फिर हम इधर तैयारी कर लेंगे, लेकिन वहाँ से आई तो बड़ी उदास होके आई है। तो अभी हम उसको लाने वाले हैं और फिर आप देखिएगा उसका चेहरा कैसा होगा। ये देखिए काव्या को हम लेकर के आ रहे हैं और काव्या के फेस स्माइल देखिए कितनी बड़ी हो रखी है। और आज इसने पहना है ब्लैक टॉप एंड येलो प्लाजो और बाल इसने स्ट्रेट ही किए हैं, कोई फोकस ना हो रहा है। और अभी इसको थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया कि कुछ हुआ है मेरे लिए सरप्राइज, तो अभी इसके फेस की स्माइल बड़ी होती जा रही है और भी ज़्यादा, तो ये बहुत खुश हो गई थी लेकिन पहले बहुत उदास थी। तो अभी आप इसको देखिए, जब ये देखेगी तो क्या इसके एक्सप्रेशन होंगे और कितना चिल्लाएगी ये। चलो चलो जाओ काव्या के पास जाओ, बैठो सारी सिंहासन में। हाउ आर यू फीलिंग? रो यार रो जल्दी। गाइस ये हूँ मैं और ये है मेरा बर्थडे और ये हमारी फैमिली है। यहाँ पे ये बच्चे कर रहे हैं तो
फिर इसका करवाया केक कटिंग। बच्चों ने मेहनत बहुत की थी तो फिर ये सब मस्ती करते हुए आज का पूरा दिन निकल गया, शाम निकल गई। तो आप बताइएगा ये बर्थडे ब्लॉग और जो हमारा हरिद्वार वाला ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और इस सब के बाद बच्चों को खाना पीना नाश्ता किया और फिर उसके आती है बारी गिफ्ट खोलने की। तो गिफ्ट जब काव्या खोलने लगी तो सारे गिफ्ट उसको बहुत सुंदर मिले थे और हर गिफ्ट को देख के वो बहुत खुश हो रही थी।